हेलो इंजीनियर जी, शुभ शांति। तो आज आपके लाए हैं एक पाइथन प्रोग्राम से हम लोग रोबोटिक्स का जो प्रोग्रामिंग है वो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से होते हैं। मतलब एक हाथ से हम लोग लाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं हाथ के मूविंग से, ठीक है। आप चाहे तो लाइट के बिना आप फैन को भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी पंखा यूज करेंगे तो ये आसानी से काम करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये वीडियो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो सर्किट को बनाने से पहले हम लोगों को जानना होगा इसके बारे में। ये एक्चुअली एक जो कि मोटर कंट्रोलर है, इसका नाम है L298 2 एम्पियर वाला, ठीक है। और ये डुअल मोटर ड्राइव करता है, PWM सिग्नल ये जनरेट करता है। और PWM सिग्नल को हम लोग इस पर डाल सकते हैं, डालने के बाद हम लोग किसी भी मोटर या लाइट को ऑन ऑफ या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो पिन का डायग्राम है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन पिन आप देख रहे हैं। तो इस पर हम लोग अलग से वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, 12 वोल्ट और ग्राउंड। अगर आप 5 वोल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो 5 वोल्ट यहाँ पे है, 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो मैं इस पर 12 वोल्ट दूंगा, तो 12 वोल्ट और ग्राउंड। अगर 5 वोल्ट देंगे तो इसका जो जम्पर है, इस जम्पर को आप खोलना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको खोलना होगा, खोलने के बाद इस पर 5 वोल्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जम्पर को डालेंगे तो 12 वोल्ट इस पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इनपुट पिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन जो कि इन नंबर वन इन है, ये 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 इनपुट है। तो इस पर हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट करेंगे, मतलब हाई और लो यूज़ करेंगे। और दो साइड पे आप दो जम्पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक जम्पर है जो कि एनेबल, इसका एनेबल पिन है। इस पर जो कि अगर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, अगर 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो एनेबल हो जाएगा ये दो पिन। और ये दो पिन एनेबल होगा जब इस पर वोल्टेज डालेंगे, ठीक है। तो इस पर एनेबल होगा। तो हम लोग PWM सिग्नल जो है वो हम लोग इसी जो कि एनेबल पिन पे हम लोग डालेंगे। तो इसका कनेक्शन होगा यहाँ पे इनपुट 3 को और इनपुट 4 को हम लोग यूज़ करेंगे इस मोटर के लिए। यहाँ पे एक मोटर लगा सकते हैं, यहाँ पे एक मोटर लगा सकते हैं। तो इनपुट 2 पे अगर हाई करेंगे और इनपुट मतलब इनपुट 3 पे अगर हाई करेंगे और इनपुट 4 पे अगर लो करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर उल्टा कर देंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इस तरह हो जाएगा। और एनेबल पिन को हम लोग ज़्यादा या कम करके हम लोग इसका जो कि अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो एनेबल पिन को हम लोग कंट्रोल करेंगे और इस दोनों पिन पर हम लोग हाई और लो प्रोवाइड करेंगे। और एनेबल पिन से हम लोग इसका बल्ब को ज़्यादा या कम करेंगे। तो अभी चलिए इसका टोटल सर्किट डायग्राम हम बना के हम लोग कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को देखते हैं। अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने 80 मेगा लगा दिया है और आप चाहे तो आर्डिनो भी लगा सकते हैं। अगर आर्डिनो लगाएंगे तो इतना ज्यादा कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्डिनो और ये जो ड्राइवर है इसको आप कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने सर्किट दे दिया है वीडियो के अंदर, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करेंगे। तो कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करने के लिए इसके साथ और एक जो कि सर्किट लगाना होगा,
तो अभी चलिए उस सर्किट को हम लोग लगाते हैं। लगाने के बाद हम लोग इसको फिट करेंगे। तो अभी देखिए CS340G का जो IC है इसको हम लोग लगाएंगे, इस सर्किट के साथ हम लोग कनेक्शन करेंगे और इसके अंदर से हम लोग एक USB निकालेंगे। जो USB हम लोग फिट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पबेरी पी आई के USB पे हम लोग इसको फिट करेंगे। और रेस्पबेरी पी आई को किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं इसको अगर जानना है तो मेरा एक पिछला वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेस्पबेरी पी आई को हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ कंपोनेंट लगाया है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लगाया है, डिस्प्ले के पीछे मैंने एक रेस्पबेरी पी आई लगाया है। रेस्पबेरी पी आई को USB के जरिए मैंने एक कैमरा लगा दिया है, ठीक है, कंप्यूटर का कैमरा है। तो रेस्पबेरी पी आई तो विंडोज या अपना रेस्पबेरी का अपना खुद का सॉफ्टवेयर से ये चलता है, इसलिए मैंने इस तरह USB कैमरा लगाया है। और रेस्पबेरी पी आई से और एक USB करके मैंने ये सर्किट बनाया है, इस पर कनेक्शन किया है। आप चाहे तो आर्डिनो भी कर सकते हैं, आर्डिनो के साथ आप मोटर ड्राइवर कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोटर ड्राइवर कंट्रोलर से हमने आउटपुट पे ये जो LED है, LED को हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी जब भी मैं कैमरा के सामने हाथ को हिलाऊंगा तो LED उसी हाथ के जरिए ऑन ऑफ मतलब अप एंड डाउन करेगा। अभी आपको दिखाते हैं। तो अभी इस पर आप कैमरा देख रहे हैं, मेरे पिक्चर इसमें आ रहे हैं। तो अभी देखिए मैं इस पर हाथ लाऊंगा और ये लाइट जो है वो ऑन ऑफ हो जाएगी। तो देखा आपने, मैंने जब भी इस पर ऑन कर रहे तो इसका जो वैल्यू है वैल्यू बढ़ गया है, 200 हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा कम करके मैं 0 पे ला दूंगा और अभी बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये पावर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा इस पर और जब भी कम करेंगे तो कम हो जाएगा। इस तरह मैं हाथ को हिला के इसका पावर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये एक्चुअली एक जो कि पाइथन का सॉफ्टवेयर से मैंने किया है और आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके आर्डिनो का प्रोग्रामिंग भी इसमें डाल दिया है। मतलब जो कि रेस्पबेरी पी आई और आर्डिनो के साथ में एक साथ मैंने कनेक्शन किया है। ये एक्चुअली एक रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग है। तो ये एक बेसिक प्रोग्रामिंग है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इजी से ये काम कर रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग एक प्रोग्रामिंग बना के हम लोग एक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हाथों से। अगर इसके बारे में और भी ज्यादा जानना है तो आपको कमेंट्स पे लिखना होगा। लिखने के बाद मैं एक कोर्स में इसको डालूंगा किस प्रकार से ये बना सकते हैं हम लोग बहुत सारे प्रोग्रामिंग के जरिए। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू दोस्तों, बाय।